दुनिया के अंदर क्यों जाएगा? जब फैक्ट्री उसके गांव में और उसके जनपद में या उसके पूर्वी उत्तर प्रदेश में लग रही है, उसको वहीं पे नौकरी और रोजगार की सुविधा मिलेगी तो उसको भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार मेरे पास एप्लीकेशन आती है कि उसके उनके परिवार का कोई सदस्य कहीं गल्फ में गया है, वहां पे फंस गया है, वहां पर उसके साथ अमानवीय अत्याचार हो रहा है। इस प्रकार की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। उसके लिए अच्छा है उनका स्किल डेवलपमेंट यहां पर हो और उस प्रकार के सेंटर स्थापित करें। गीडा को यहाँ के उद्यमियों के साथ मिलकर के उस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो गीडा स्वयं भी इस प्रकार का कार्यक्रम करें। दूसरा, पैकेजिंग पर ध्यान देना होगा, डिजाइनिंग और पैकेजिंग पर। याद रखना, हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, पैकेजिंग इंस्टीट्यूट खोलने की तैयारी करना, औद्योगिक विकास से जुड़े हुए हमारे संस्थानों को स्वयं इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। पीपीपी मोड पर भी खुल सकता है, बहुत सारे लोगों को उसके माध्यम से रोजगार मिलेगा। और फिर अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी जनपद स्तर पर प्रयास करना। जो यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट से जुड़े हुए, जैसे मैं देख रहा था बहुत सारे उद्यमी यहाँ पर अब कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं, अगर हम इनको थोड़ा भी प्रोत्साहन करें तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ यूरोप के देशों में गोरखपुर का प्रोडक्ट छा जाएगा। और वहां पर गोरखपुर के प्रोडक्ट का छाने का मतलब गोरखपुर में लाखों नौजवानों और लाखों महिलाओं को हम यहीं पे उनकी रोजगार की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवा देंगे। और इस दिशा में एक नए प्रयास की आवश्यकता है और उस प्रयास को आगे बढ़ाने की दिशा में आज जो कार्य आप सब कर रहे हैं, भाइयों बहनों, हमें अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बनाने की जो प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य देश को दिया है, उसमें उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन का काम करेगा। हमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बनाना, यानी 80 लाख करोड़ रुपए की एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। अधिक से अधिक निवेश करना, अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ जोड़ना, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करना, जीडीपी रेशो को बेहतर करने के लिए बैंकर्स के साथ जिला प्रशासन और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों का संवाद होना, जिससे अधिक से अधिक यूथ को और उद्यमियों को लोन की सुविधा उपलब्ध हो सके और उसे डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ देना, ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। इस आवश्यकता के लिए मैं गीड़ा प्रशासन से और जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस दिशा में उद्यमियों के साथ बैठ करके प्रतिमा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी उद्यमियों के साथ, व्यापारियों के साथ बैठ करके उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करें। उनसे जुड़ी हुई कोई भी स्थानीय स्तर की समस्या है उसका वहीं पे समाधान होना चाहिए। उद्योग विभाग को बैठना चाहिए, गीडा प्रशासन को बैठना चाहिए, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान वहीं पे होना चाहिए। हर तीसरे महीने मंडलायुक्त और आईजी या डीआईजी रेंज के नेतृत्व में ये बैठक होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को भी उसमें बुलाइए, बैंकर्स को भी उसमें बुलाइए, उन समस्याओं का समाधान वहां पर होना चाहिए। और जो लगता है कि यहां से स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं हो सकता, शासन में है, तो शासन में हमें उन समस्याओं के समाधान के लिए फोन करने में और पत्र लिखने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। त्वरित निस्तारण की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में अगर हम कार्य करते हैं तो इससे उद्यमी को भी सहूलियत होगी, निवेशकों को भी इससे काफी सहूलियत होगी और साथ साथ यहाँ पे पूंजी निवेश के माध्यम से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा के साथ जोड़ पाएंगे। गीडा की शानदार यात्रा के लिए मैं गीडा प्रशासन को, यहाँ के निवेशक और उद्यमियों को, उनके सभी सहकर्मियों को एक बार फिर से बधाई देता हूँ और मुझे विश्वास है कि एक बेहतरीन निवेश के गंतव्य के रूप में आप लोग गोरखपुर को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।